हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मेहता सर की क्लासेस। वंस अगेन आई एम अभिषेक वैष्णव। टुडे टीच यू मैथ क्लास 7 लेसन फर्स्ट इंटीजर। तो सबसे पहले हम इंटीजर और पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कि हमने संख्याएं पढ़ी थी 1, 2, 3, 4 से लगाकर अनंत तक। ये संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। अब इन्हीं संख्याओं में मैं 0 इंक्लूड कर दूं यानी 0 जोड़ दूं तो ये संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या भी होती है और नेगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्या भी होती है। यानी मैं यहाँ पे -1, -2, -3 और आगे आगे बढ़ते हुए इन्फिनिट अनंत तक बढ़ा दूं तो ये संख्या होगी पूर्णांक। यानी वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों हो वे पूर्णांक कहलाती है। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि 0 भी पूर्णांक है? तो हाँ स्टूडेंट, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 को हमेशा 0 ही लिखते हैं। इसके साथ कोई साइन नहीं आता, ना प्लस का आता है और ना माइनस का आता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 0 इंटीजर जरूर है लेकिन ये इसके साथ कोई साइन नहीं आता है। अब एक चीज यहाँ पे और कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि 0 से संख्याएं बढ़ रही है तो यानी ये बढ़ते क्रम है। ये कौन सा क्रम है स्टूडेंट? बढ़ते क्रम। और 4 से संख्याएं घट रही है जैसे 4, 3, 2, 1 तो ये घटते क्रम है। ये कौन सा क्रम हो गया? घटते क्रम यानी डिक्रीज। ये हो गया इंक्रीज। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछूं तो सबसे बड़ी इंटीजर कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ी इंटीजर इंडिफिनिट, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। और सबसे छोटी इंटीजर वो भी डिफाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि इन संख्याओं का हम कंपेयर करते हैं, जैसे संख्याओं को तुलना करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं -1 और +1 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जो प्लस की संख्या होती है वो हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है। यानी +1 -1 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ 100 लिख दूं और यहाँ पे लिखूं मैं -2 तो भी ध्यान रखना स्टूडेंट, प्लस की संख्या बड़ी ही होती है। और अगर मैं यहाँ पे बड़ी संख्या लिख दूं लेकिन माइनस में हो और यहाँ पे इससे भी बड़ी संख्या लिख दूं तो भी ध्यान रखना प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, अब हमने इंटीजर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब थोड़ा सा ये जानकारी प्राप्त करिए दैनिक जीवन में क्या काम आता है। जैसे आपने पढ़ा इंटीजर तो आप दैनिक जीवन में इसको कहाँ काम लेंगे? तो जैसे आपने बेसिक नॉलेज में जैसे कोई बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट होता है तो उसको प्लस में दर्शाते हैं और जब लॉस होता है उसको माइनस में दर्शाते हैं। जैसे टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा उपयोग इंटीजर का साइंस में होता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो प्लस का होता है और जब टेम्परेचर घटता है तो माइनस में होता है। उसी प्रकार जहाँ पे जो समुद्र लेवल का वर्क होता है, जैसे सिप पानी के अंदर की तरफ जो पनडुब्बी कहलाती है वहां पे भी इंटीजर माइनस में होता है और ऊपर की हवा की तरफ जो संख्या बढ़ती है या वायुयान बढ़ता है वो पॉजिटिव होता है। उसी तरह इंटीजर हर जगह काम आता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पूर्णांक में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको 4 रूल है, वो छोटे से रूल है, आपको याद रखना होगा जो आपके आगे भी काम आएगा, यानी 7th, 8th, 9th, 10th में भी काम आएगा। तो ध्यान रखना अगर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो ध्यान रखना उस दोनों संख्या घटेगी। यानी एक प्लस का और एक माइनस का हो तो संख्या घटेगी। अगर चिन्ह पहले माइनस का आ जाए और फिर प्लस का आ जाए तो भी संख्या क्या होगी? घटेगी। अगर दोनों प्लस के हो तो ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, दोनों जुड़ेंगे, और दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे। तो यानी ध्यान रखना दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो घटेंगे और दोनों समान चिन्ह हो तो जुड़ेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 एग्जाम्पल लेते हैं, समझेंगे इसको। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा +4 और यहाँ पे मैंने लिखा -2, तो ये +4 है और ये -2 है। तो अभी मैंने लिखा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये घटेंगे, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। और यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि ये 2 प्लस का आएगा माइनस का। तो आप यह संख्या देखें, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? 4। और जो संख्या बड़ी है उसका साइन आएगा, 4 बड़े हैं तो यहाँ प्लस के वापिस उत्तर किस में आएंगे? 2 में, +2। उसी तरह यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे -5 और यहाँ पे मैंने लिया +2, तो वापिस वही कंसेप्ट है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी 5 में से 2 गए, कितना आएंगे? 3। वही कंसेप्ट है, यहाँ प्लस के आएंगे माइनस के, दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है? +5, यानी माइनस की संख्या आएगी, -3। अब जब दोनों संख्या प्लस की हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ +6 और +4, तो यह उत्तर क्या आएगा? +10, ठीक है। जब दोनों संख्या माइनस की हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -8 और -4, तो ध्यान रखना माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, यानी संख्या जुड़ेगी। 8 और 4 कितने होंगे? 12। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जो साइन आएगा, चिन्ह आएगा, वो माइनस का ही आएगा। यानी माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, बाकी यहाँ पे भी प्लस 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 होता है, प्लस का चिन्ह है। और नॉर्मली प्लस की जो संख्या होती है उसके साथ चिन्ह नहीं लगाते, यानी प्लस की संख्या ओनली प्लस में ही होती है, उसके साथ चिन्ह नहीं होती, लेकिन माइनस की संख्याओं के साथ में चिन्ह अवश्य लगता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम एक छोटा सा सवाल करते हैं पैटर्न पहचाने। यानी अब आपने इंटीजर की तुलना कर ली है,
एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया है, तो हम जो एक सवाल करते हैं जिसमें आपको पैटर्न पहचानना है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 7, 3, -1, -5, बाकी तीन खाली जगह दी हुई है, रिक्त स्थान है, ठीक है, इनको भरना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को ध्यान से देखें, 7, 3, -1, -5, ये संख्या घटते क्रम में है। 7 से छोटा 3 है, 3 से छोटा -1 है और -1 से छोटा -5 है। अब इन खाली जगहों में क्या आएगा, तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि 7 से 3 कितनी संख्या कम हुई है, यानी संख्या घट रही है, तो 7 से 3 हुआ यानी 4 संख्या कम हुई, 3 से -1 हुआ यानी कितनी संख्या कम हुई, 3 से -1 4 संख्या इसमें भी कम हुई है, -1 से -5 4 संख्या कम हुई है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, -5 में से 4 संख्या और घटाओगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों संख्या जुड़ जाएगी 9, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, यानी यहाँ पे उत्तर आएगा माइनस का 9। उसी तरह यहाँ पे 4 संख्या और जोड़ते रहो, तो -9 में 4 संख्या और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 13, और 4 संख्या जोड़ी तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 17, ठीक है। उसी तरह दूसरा सवाल, पहले सवाल को ध्यान से देखें, -2, -4, -6, -8 ये कौन सा क्रम है, ये क्रम है आपके घटते क्रम में, ध्यान रखना ये क्रम घट रहा है। माइनस की संख्या, जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है वो घटते क्रम में, यानी -2 से छोटा -4 है, -6, -8। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है दो दो संख्याओं में संख्या क्या कर रही है, घट रही है, तो अब यहाँ -8 के बाद क्या आएगा, -10, -12, -14, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो देखते हैं, 15, 10, 5, 0 ये भी घटता क्रम है, और अंतर कितना है, 5, 5 का, यहाँ से 5 कम हुए, यहाँ पे भी 5 कम हुए, यहाँ पे भी 5 कम, तो 0 में से 5 घटाओगे, तो ध्यान रखना 0 में से 5 घटा रहे तो संख्या ऋणात्मक होगी, 0 से भी छोटी संख्या, तो उत्तर आएगा -5। फिर -5 में से और 5 घटाओगे तो -10, -15, तो ये घटते क्रम में हो गया। चौथा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, इसमें संख्या बढ़ते क्रम में है, -11 से बड़ा -8 है, -8 से बड़ा -5 है, और -5 से बड़ा -2 है। अब ध्यान से देखना, संख्या बढ़ रही है 3-3 के क्रम से, यानी ये इससे 3 ज्यादा है, ये इससे 3 ज्यादा, और ये इससे 3 ज्यादा है, तो इसी तरह -2 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएंगे स्टूडेंट्स, +1, कौन सा आएगा, +1, तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूँ 1। उसी तरह 1 में 3 जोड़ेंगे कितना होंगे, 4, तो यहाँ पे आएगा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 7, तो यहाँ पे आएगा 7। इसी तरह हमने जो सवाल किया पैटर्न का सवाल, नोइंग पैटर्न, जो संख्याओं को पहचानने में आपको मदद मिलती है, यानी आपको ये पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, और उसमें आप तुलना भी कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, यूज द साइन संकेत का प्रयोग, आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। अब यहाँ पे 2 इंटीजर साथ में लिए और यहाँ पे 3 इंटीजर साथ में, पहली संख्याओं को देखें, ये लिखा हुआ है -8, +-4, और यहाँ पे लिखा हुआ -8, फिर माइनस है, फिर कोष्ट में वापिस -4 है, तो पहले इसको सरल करते हैं फिर इसके उत्तर निकालते हैं। जैसे यहाँ कोष्ट को ओपन करूंगा तो सबसे पहले यहाँ माइनस ही रहेगा, -8, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस के जो साइन है आपस में टकराएंगे तो वापिस माइनस ही होगा, ठीक है। तो -8 और -4 दोनों माइनस के, अभी हमने पढ़ा था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 8 और 4 जुड़ जाएंगे कितने, 12, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, इस कोष्ट को ओपन करो तो यहाँ पे भी -8 आएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना माइनस और माइनस सिर्फ चिन्ह टकरा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली प्लस होगा, ठीक है, और ये 4 के 4 यहाँ होंगे। अब वापिस ये कंडीशन आ गई, -8 और +4, तो वापिस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8 में से 4 गए 4, वो भी किसके, माइनस के। अब आपको बताना है कि -12 और -4 दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट, जो संख्या है माइनस में बड़ी छोटी दिखती है वो हमेशा बड़ी होती है, यानी -4 बड़े हैं किससे, -12 से, इसका मतलब ये पूरी संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से। इसी तरह दूसरा सवाल करते हैं, यहाँ पे है -3, सबसे पहले कोष्ठक ओपन करूं तो -3, +7 और -19। अब इसको दो तरीके से, पहले इन दोनों को सरल कर लें फिर इसमें से वापस घटा लें, या जो पहले माइनस माइनस के साइन है उसको सरल कर लें। तो हम पहले इन दो को सरल करते हैं, ठीक है, ये -3 और -7, तो क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस होता है तो 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है यहाँ पे। वापिस ये -19 आएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का वापिस घट जाएंगे, तो 19 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15, वो भी किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या है बड़ी है। इसी तरह इस सवाल को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है 15, 15 के 15 ही होंगे, -8, यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, वापिस प्लस माइनस, माइनस,
यहाँ पे जो कंडीशन है ध्यान से देखना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन टकराए है, इसी तरह प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस के 9। वही कंडीशन पहले इन दो को सॉल्व करते हैं, तो 15 में से 8 घटेंगे, तो 15 में से 8 गए पीछे बचे 7, वो भी किसके स्टूडेंट, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे बड़ी है। फिर क्या बचा, माइनस के 9। वापिस वही कंडीशन, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घटेंगे कितना आएंगे 2, और वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब आपको बताना है माइनस के 15 और माइनस के 2 में से बड़ा कौन है। तो हमने कहा था स्टूडेंट माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी माइनस 2 बड़ा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या बड़ी है।